नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ पेयर रिया सुन्हा आपके साथ है बात जब रोजगार की आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं बिहार में रोजगार की क्या व्यवस्था है ये हमारे आंखों के सामने है रोजगार तो ना बराबर है लेकिन फिर भी अगर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए प्रावधानों के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को पैंतीस तक का आरक्षण दिया था रोजगार के मामले में खासतौर से सरकारी नौकरियों की बात कर ले तो लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बावजूद केवल छः दशमलव छः प्रतिशत महिलाएँ ही नौकरियों में आ सकी हैं और कामकाजी बन सकी हैं हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड हमसे भी आगे है औसतन जो राष्ट्रीय औसत है वो है अठारह दशमलव दो पाँच प्रतिशत का वहीं अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात इस रेस में सबसे आगे पहुंच गया आखिर क्या वजह है कि बिहार में आरक्षण होने के बावजूद बावजूद भी महिलाएं रोजगार नहीं कर पा रही हैं आपको हम पहले पूरी डिटेल बताते हैं उसके बाद इस बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि पेड वर्क के मामले में पड़ोसी राज्य 8.5 प्रतिशत से आगे है मतलब लगभग 9 प्रतिशत है और राष्ट्रीय औसत के मामले में अठारह प्रतिशत है 25.2 प्रतिशत के साथ आगे है सबसे ज्यादा गुजरात इसके अलावा बिहार में कामकाजी महिलाओं का अनुपात गांव और शहर दोनों में सेम ही हैं छः दशमलव छः प्रतिशत लगभग साढ़े छः प्रतिशत वहीं अगर हम पेड और अनपेड गतिविधियों की बात करें और पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी मापने के लिए एन ने इसको इसका सर्वे किया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा यह सर्वे किया गया था देश के लगभग एक लाख अड़तीस हजार सात सौ निन्यानवे घरों में यह सर्वे हुआ था डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट में पुरुष की तुलना में महिलाएं अधिक अनपेड वर्क करती हैं यानी कि ऐसे वर्क जिसमें वेतन नहीं दिया जाता है तो उसके साथ अनपेड वर्क का जो अनुपात है वो है इक्यासी दशमलव शून्य प्रतिशत मतलब इक्यासी दशम इक्यासी प्रतिशत का वही राष्ट्रीय औसत है अठारह दशमलव चार प्रतिशत बाकी डिटेल्स मैंने पहले ही बता दिए हैं इसके अलावा बताएं कि पाँच घंटे का, का काम लगातार घरों में महिलाएं करती हैं और पुरुष घर परिवार में केवल चौंतीस मिनट का समय देते हैं और मैंने बताया आपको कि 2019 में यह सर्वे किया गया था कोविड के पहले का ही सर्वे है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक यह सर्वे किया गया था लगभग बिरासी हजार आठ सौ आठ में और पचपन हजार नौ सौ दो शहरों में किया गया था तो बिहार का जो रिपोर्ट आया है वो इसमें भी नीचे आया है खासतौर से महिलाओं का ही रिपोर्ट है ये कि रोज़गार के मामले में बिहार कितना आगे है महिलाओं की महिलाओं के साथ तो महिलाएं भी केवल छः दशमलव छः प्रतिशत ही हैं जो जो रोज़गार कर रही हैं जो काम काजी हैं तो इससे पता चलता है कि चाहे आरक्षण मिल गया हो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो सोच वो पुरुषवादी सोच बरकरार है बिहार में और शायद इसीलिए महिलाएं रोजगार नहीं कर रही हैं कामकाज नहीं कर रही हैं पेड वर्क नहीं कर पा रही हैं तो जरूरत है अब महिलाओं को आगे आने का और अपना परसेंटेज बढ़ाने का आप गुजरात का देख लीजिए 25 प्रतिशत महिलाएं वहाँ जॉब कर रही हैं लेकिन बिहार में स्थिति अभी भी गंभीर है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और खबरों के लिए न्यूज बिहार के साथ बने रहें